हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो डिविजी टॉर्क ट्रांसफर का आईपीओ है उसमें अप्लाई करने के लिए आज आखिरी दिन था, तो आखिरी दिन इसको टोटल कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है और उसके अलावा इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है वो हम जानेंगे, और उसके अलावा अपकमिंग आईपीओ जो कि 13 मार्च को ओपन होने वाला है उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं वो भी जानेंगे, और उसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो अदानी ग्रुप के अंदर 15,446 करोड़ रुपए का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है ब्लॉक डील के जरिए, तो उसके पीछे किसका हाथ है, तो उसके पीछे हमारे इंडियन मतलब हमारे भारतीय का हाथ है, तो वो कौन है हमारे भारतीय उसके बारे में भी जानेंगे, और उसके अलावा ये भी जानेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे किया जबकि अदानी ग्रुप पर अभी बहुत ज़्यादा खतरा चल रहा है, फिर भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे किया, क्या सोच के इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे, और नोटिफिकेशन अगर नहीं मिल रहे बेल आइकन पर दबाने के बावजूद तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें, और उसके अलावा फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, बात करें डिविजी टॉर्क ट्रांसफर के आईपीओ की, तो उसके अंदर अप्लाई करने के लिए आज आखिरी दिन था, तो आखिरी दिन ये टोटल 5.44 गुना सब्सक्राइब हुआ है और कल की तारीख में अंडर सब्सक्राइब था। ये जो सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन आया है वो क्यूआईबी पोर्शन से आया है, क्योंकि क्यूआईबी जनरली तीसरे दिन ही उसके पूरे फिगर आ पाते हैं, और क्यूआईबी पोर्शन जो है 75% का था और सब्सक्रिप्शन भी काफी अच्छा हुआ है, और क्यूआईबी ने जो सब्सक्राइब किया है 7.83 गुना, और NIIs ने जो सब्सक्राइब किया है 1.40 गुना, तो QIB से काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। फिर दोस्तों, बात करें रिटेल पोर्शन की, तो रिटेल पोर्शन 4.31 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% का था पर फिर भी बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो 5.44 गुना काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि अभी लोग जो है आईपीओ को लेकर थोड़े डरे हुए, थोड़े सहमे हुए हैं, इस कारण फिर भी अच्छा सब्सक्रिप्शन है। और दोस्तों, आप लोगों में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में बहुत ज्यादा कम चल रहा है, 10% से भी कम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। और देखिए दोस्तों, आज की तारीख में तो ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, महंगी होने के कारण क्या है कि डिमांड थोड़ी कम हो रही है, और उसके अलावा अभी नया नया आईपीओ आया है काफी टाइम बाद, उसके कारण भी थोड़ी बहुत डिमांड कम चल रही है। तो हो सकता है लिस्टिंग वाले दिन हमें अच्छा लिस्टिंग गेंस भी मिल जाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मैंने रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लियर कर दी है, और उसके अलावा इसके अंदर जो इंफोसिस के को फाउंडर है नंदन नीलेकणी, उनकी भी हिस्सेदारी है, वो भी अपना स्टेक को सेल कर रहे हैं, और उन्होंने 125 में खरीदा था पिछले साल और अभी 590 रुपए के अंदर ऑफर किया गया है आईपीओ के अंदर, तो थोड़ा महंगा है, पर हो सकता है नंदन नीलेकणी के कारण भी थोड़ा बहुत लिस्टिंग मिल जाए, ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा, पर आज की तारीख में डिमांड नहीं है। और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए रिव्यू वाला वीडियो देख सकते हैं। फिर दोस्तों, 13 मार्च को ग्लोबल सरफेस का आईपीओ ओपन होने वाला है, तो उसको लेकर कोई भी अभी अब तक अपडेट नहीं आया है, इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट अभी तक नहीं आया है, जल्दी ही मुझे लगता है इसके प्राइस बैंड और मार्केट लॉट हमें देखने को मिल जाएंगे, तब रिव्यू वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा और ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह भी अपडेट देता रहूंगा। अब दोस्तों, बात करते हैं जो अदानी ग्रुप है उसकी हेल्प करने के लिए कौन से भारतीय जो है सामने आए हैं। तो दोस्तों, अभी ये जो न्यूज चल रही है लेटेस्ट 15,446 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, जिसके अंदर चार कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन। जो ये इन्वेस्टमेंट आया है GQG पार्टनर्स की तरफ से आया है, जो कि US की कंपनी है, मतलब FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ये सारा इन्वेस्टमेंट आया है। उसके जो को फाउंडर है GQG के जो को फाउंडर है वो है इंडियन मतलब हमारे भारतीय है राजीव जैन, तो उनके द्वारा ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है अदानी की कंपनीज के अंदर। और अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उनका पोर्टफोलियो काफी मजबूत है, पोर्टफोलियो के अंदर काफी मजबूत शेयर्स हैं और उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न बना के भी दिए हैं। और उसके अलावा बात करें तो 7 साल हुए हैं उनको GQG को ज्वाइन किए हुए, और वो GQG के को फाउंडर है, और उनके ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 7 साल के अंदर ही 92 अरब डॉलर की कंपनी बना दी है GQG को, मतलब काफी बड़ी कंपनी बना दी है। तो राजीव जैन जो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, मतलब क्या है कि सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उन्होंने अदानी ग्रुप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कुछ सोच के ही किया होगा। और उसके अलावा बात करें उनको शेयर्स जो है काफी सस्ते में भी मिल गए, अगर बात करें ऑल टाइम हाई की तो उनसे तो अभी अदानी के शेयर्स जो है काफी ज्यादा सस्ते चल रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने अच्छी डील ही की है। तो ये डील हुई उसके बाद तेजी देखने को मिल रही है, तो उनको तो फायदा देखने को मिल गया। अब ये तेजी कितने दिन तक बरकरार रहती है ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, पर आज की तारीख में बात करें तो आज की तारीख में पिछले 2 से 3 दिनों से देखें तो अदानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर काफी तेजी देखने को मिल रही है,
और ये जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है 15,446 करोड़ रुपए का, तो मार्च के एंड में जो ये अपने उधारी चुकाने वाले थे, लोन का प्री पेमेंट करने वाले थे 6500 करोड़ रुपए का, तो उसके अंदर भी इनको पैसे मिल जाएंगे, जिससे क्या है कि वो आराम से अपना लोन का प्री पेमेंट भी कर पाएंगे। गौतम अदानी जी को भी थोड़ी शांति, थोड़ा रिलीफ मिला होगा कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, कुछ कैश भी हाथ में आया है। और राजीव जैन की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अदानी कंपनी जो है फ्रॉड होती तो इंडियन मार्केट के अंदर 30 साल से ज्यादा तक टिक नहीं पाती। तो अदानी ग्रुप जो है 30 साल से ज्यादा की पुरानी कंपनी है, अगर वो फ्रॉड होती तो इतना नहीं टिक पाती, ये कहना है राजीव जैन का। और बाकी वो काफी कंपनियों में इन्वेस्ट कर चुके हैं, उन्होंने काफी फायदे भी कमाए हैं, और उसके अलावा उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। तो अदानी ग्रुप के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने काफी सोच समझ के ही किया होगा। उसके बाद से तेजी भी देखने को मिल रही है, अब ये तेजी कितने दिन तक बरकरार रहती है आने वाले टाइम में हमें पता चलता रहेगा, और मैं बाकी आपको जो जानकारी है देता रहूंगा, आपको अपडेट जो है देता रहूंगा। और बाकी देखिए दोस्तों, अभी तक सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है, जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक तो मेरी राय यही है कि वेट एंड वॉच ज्यादा बढ़िया है अदानी के शेयर्स के अंदर। मैं कोई भी बाय और सेल का डिसीजन नहीं दे रहा हूं, जो भी डिसीजन लेना है अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और उसके अलावा फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।